पर्यावरण सम्मेलन के दौरान इको क्लब RWA और तमाम उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पौधे लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी को लेकर जब स्कूली बच्चों और अध्यापकों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों को हर रोज एक एक्टिविटी के माध्यम से पर्यावरण का महत्व बताया जाता है। वहीं बच्चों ने भी बताया कि उनके जीवन में पर्यावरण किस तरीके से महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तो वह खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ज्योति जी, आज आपको बेस्ट इको क्लब का भी अवार्ड मिला है, कितना महत्व समझते हैं इसको अपनी लाइफ? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। जो हमारे पर्यावरण के जो मंत्री हैं उनसे हमें सम्मानित मिला, तो हमारे बच्चे तो बहुत ही खुश है। बच्चों का बहुत योगदान रहा है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, साथ में सभी का ही रहा है, टीचर्स का, लेकिन मैं तो बच्चों का ही ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि हर एक चीज़ में हम जो उनको कार्य देते हैं वो बखूबी ही बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना पर्यावरण का महत्व, किस तरीके से बच्चों को पर्यावरण का महत्व? मैम, इट नीड्स टू बी अ टायरलेस एफर्ट एंड ऑल आर टीचर्स दे पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइव एंड इट्स नॉट जस्ट दैट वी डू समथिंग ऑन जस्ट वन डे, इट्स आर इको क्लब दैट यू नो ड्राइव्स द स्टूडेंट्स throughout the year each day and these are our you know gems who are the head of eco club. बच्चे ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इको क्लब का अवार्ड तो आपको मिला, लेकिन अगर पर्यावरण के महत्व की बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं पर्यावरण? हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण जिंदा रहेगा तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। तो अगर हमें कुछ भी इस दिन पे कुछ भी करना है तो वो है एक पेड़ लगाना, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये माहौल खुशनुमा रहेगा, उतना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगा, उतने ज़्यादा हमारे पास सब कुछ होगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन अगर हमारे पूरे थ्रू आउट द ईयर है तो वो यही है। पर्यावरण पे पेड़ लगाना तो महत्वपूर्ण है, स्कूलों में बात की जाए तो कितने पेड़ आपने स्कूलों में लगाए? स्कूल में हमारे रेगुलर ड्राइव्स चलती रहती हैं, बच्चे अपने घरों से पेड़ लेके जाते हैं, इनफैक्ट दे प्लांट ट्रीज एट आवर स्कूल एंड वी आर कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग ऑन आवर स्टूडेंट्स टू बिकम अवेयर अबाउट द प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट। बात की जाए स्कूलों में तो आप लोग पेड़ लगा ही रहे हैं, अगर आपके साथ साथ आपके जहाँ रहते हैं उधर के लोगों को अवेयर करने के प्रयास करें आप लोगों ने, तो किस तरीके से लोगों को अवेयर करा, क्या लोग पर्यावरण को देखते हुए अवेयर होते नजर आए? अवेयर भी करता हूँ कि ज़्यादा पौधे लगाएंगे तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, मैं तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। हमसे बात कर लें तो आपने सुना टीचर्स के साथ साथ बच्चों में भी कहीं ना कहीं इस पर्यावरण दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूलों में तो इको क्लब के माध्यम से पेड़ लगाए गए। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं भावना, दिल्ली।